दिस वॉज दैट अब चलते हैं थोड़ी सी मजीद नॉट ऑफ कह लो कि सिर्फ बात ही बहुत सारी चीजें इसमें समझने की so कि हमने क्यों पढ़ा है ठीक है तो एस में हमने एक चीज पढ़ी थी एक ट्रेंड पढ़ा था और एस में कहा था हमें कि भाई इसका आपको प्रूफ ए टू में बताएंगे या किसी ने बोला होगा इसका प्रूफ अभी नहीं है ठीक है सो अब हम उसका प्रूफ सीखने जा रहे हैं ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड्स और ग्रुप टू सल्फेट्स की सिल्यूबिलिटी में क्या मसला है ठीक है डज डज द द ऑफ ऑफ डिक्रीज डाउन डाउन ग्रुप एंड इंक्रीज ठीक है ऐसा क्या मसला है क्यों होती है सारी चीजें उसका आंसर आता है डेल्टा एच सोल्यूशन ठीक है एक बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है ठीक है क्योंकि उसको एनर्जी देनी नहीं पड़ती लेकिन जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है वो अनफेवरेबल होता है क्योंकि वो कहता है मुझे एनर्जी दो तो तब मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने आप को ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल कंबशन आप घर का चूल्हा जलाते हैं एक दफा चलाएंगे तो वो पूरा जिंदगी भी आप गैस आती रहेगी तो चूल्हा जलता रहेगा ठीक है बट फॉर एग्जाम्पल लेट से जो है आप uh, Uh, कोई uh, किसी सॉल्ट को गर्म कर रहे हैं ठीक है या लाइक किसी सॉल्ट को आप गर्म कर रहे तो तो हैं वो, है, वो, है, है, वो चीज आपको नेचर में वो रिएक्शन नॉर्मली होते हुए ज्यादा देखेंगे जो एक्सोथर्मिक है और जो एंडोथर्मिक है वो आपको नॉर्मली होते हुए नहीं देखेंगे तो इसका भी प्रूफ यही है

नहीं कर रहा होता है एंड देर यू हैव टू गिव इट एनर्जी टू इवेंचुअली डिजोल्व दिस ठीक है सो वील जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल आर ट्रेंग्स तो पहले तो ये लिख लेते हैं सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज इसका मतलब क्या हुआ हमारी क्या एजम्पन निकल रही है इससे हमारी एजम्पन निकल रही है कि डेल्टा एच सोल्यूशन अगर इंक्रीज कर रही तो मतलब डेल्टा एच सोल्यूशन गेट्स मोर एक्सोथर्मिक तो बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक या लेस एंडोथर्मिक ठीक है जैसे आप लोग लिखना चाहो ठीक है और हमने कहा कि इस ये सबसे हाईली एंडोथर्मिक होगा इन सब में से ठीक है सिमिलरली ओवर सोल्यूबिलिटी हमें पता है डिक्रीज करती है एंड वाई वुड दैट बी बिकॉज क्या लिखा था मैंने ऊपर डेल्टा एच सोल्यूशन ठीक है डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी बिकमिंग मोर एंडोथ थर्मिक डेल्टा एट सोल्यूशन बिकम देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही है वो एंथल चेंजेस जो एक्जोथर्मिक एंड नेचर जैसे मैग्नेट्स है करीब लगे खुद ही लग जाएंगे आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा तो जो एनर्जी चेंजेस एक्सोथर्मिक एड नेचर में वो खुद बखुद होते देवर्ड ठीक है बट दो एनर्जी चेंजेस को एनर्जी लगा के ही आप अलग कर सकते हो खुद ब खुद वो अलग नहीं होने वाले राइट सो दो एनर्जी चाहिए होगी ठीक है इसी तरीके से अगर हम अपने वो ट्रेंड्स याद करें जो हमने ए एस में सीखे थे तो हमें ये अच्छी तरीके से याद है कि एम जी ओ एच टू इज इन सोल वॉटर और डाउन द ग्रोथ सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज ठीक है

और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है तो उसका रीजन क्या होगा बेरियम सल्फेट एंडो हाइली एंडोथर्मिक चेंज होगा तभी वो अनफेवरेबल है उसका मतलब क्या है डाउन द ग्रुप यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर एंडोथर्मिक आपका मोर एंड मोर एंडोथर्मिक चेंज हो रहा है इधर ठीक है अच्छा इतनी बात हमने समझ ली है अब लेट्स गेट इनटू दी स्पेसिफिक डिटेल्स हमने अभी लास्ट स्लाइड पे ही देखा था डेल्टा 8 सॉल्यूशन जो है न गिव थ्रू मेरे एंड से आवाज तो नहीं आ रही कैन यू हियर एनी थिंग कोई आवाज शवाज आ रही है कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरी no? है. अच्छा डेल्टा एट सोल्यूशन हमने देखा था क्या होता है रिवर्स ऑफ लाइटेस्ट एनर्जी होता है ठीक है एंड हाइड्रेशन एंथल्पी आपको उसका समेशन लेनी पड़ती है ठीक है अच्छा अब मैं जो हूं इसको थोड़ा सा अब डिफरेंट लिखूंगा और जब भी मैंने आपको मना किया था कि वो वाली फॉर्मुला याद नहीं करना ठीक है ऑन योर हेस हेस साइकिल साइकिल में हमने ये देखा कि योर लैटिस एनर्जी इज रिवर्स्ड एंड योर हाइड्रेशन एंथल इज इन द सेम डायरेक्शन और लैटिस एनर्जी जब रिवर्स हो रही है तो वो इंस्टेड ऑफ एन एक्सोथर्मिक चेंज वो एंडोथर्मिक चेंज बन जाता राइट बेसिकली डेल्टा एच सोल्यूशन निकालते हुए अगर मैं बिल्कुल देखूं जो लिटरल में देखूं तो इसका मैग्निट्यूड प्लस में जा रहा है और इसका मैग्निट्यूड नेगेटिव में जा रहा है ठीक है तो हाइड्रेशन इज अ नेगेटिव चेंज एंड लेटेस्ट एनर्जी फॉर डेल्टा एच सॉल्यूशन इज अ पॉजिटिव चेंज ठीक है अब अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा पॉजिटिव है यानी उसको रिक्वायर्स एनर्जी है वो एंडोथर्मिक है तो इफ दिस इज पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हुआ ये चीज ज्यादा बड़ी होगी इन बिटवीन दीस टू द डेल्टा एच दाइटेस्ट एनर्जी मस्ट बी लार्जर इट शुड बी लार्जर ये ज्यादा बड़ा होगा तो पॉजिटिव साइन ज्यादा बड़ा होगा पॉजिटिव में से छोटा सा नेगेटिव लगाओगे निकालोगे तो पॉजिटिव ज्यादा आएगा आंसर ठीक है सिमिलरली लाइक दैट अगर आप मुझे बोलते हो

लास्ट स्लाइड पे क्या पड़ा है लाइटेस्ट एनर्जी को आप कर लोगे रिवर्स हाइड्रेशन एंथेल्पी को एज इट इज लोगे ठीक है हाइड्रेशन एंथेपी क्या थी हाइड्रेशन एंथेल्पी थी एनर्जी रिलीज लैटिस एनर्जी क्या थी लैटिस एनर्जी भी थी एनर्जी रिलीज्ड ठीक है क्यों बिकॉज दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन है एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है दूसरा वाला क्या है इंटरमोलिक बॉन्ड फॉर्मेशन है ठीक है अच्छा अब अगर आप लैटेस्ट एनर्जी को रिवर्स कर रहे हो हैं दोनों नेगेटिव दोनों negative है. अगर को करोगे, तो से क्या हो जाएगा, हो जाएगा right? so, et, enthalpy, वैसी की वैसी रह रही है तो वो वैसी भी नेगेटिव होती है तो हम वैसी भी उसको नेगेटिव ले रहे ठीक है अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा बच्चा के हमारी जो एच सॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक हो रहा है एंडोथर्मिक से मुराद क्या होगा वो पॉजिटिव होता जा रहा है उसको एनर्जी अंदर लेनी पड़ रही है फॉर right? so तो क्या फर्क पड़ रहा होगा राइट right? डेफिनेटली ये चीज बड़ी होगी देन दिस थिंग पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी देन नेगेटिव वैल्यू ताकि जब दोनों एड यावर जो भी हो तो पॉजिटिव वाला आंसर बड़ा है राइट right?

कोई चीज पूछनी है किसी को दोबारा से कुछ गो ओवर करना है तो मुझसे पूछ सकता है रुक सकता है क्लास में अगर नहीं है टू टू यू आर फ्री लीव ठीक है सो लेट्स गो ऑन ऑन जो हमने कल डिस्कशन थी एंड वी वर दिस थिंग हम ये और सल्फेट्स की सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड ये सब कुछ एक्सप्लेन करना जा रहे थे हमने कल डेल्टा एच सोल्यूशन पढ़ लिया था और हमने उस उसपे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे जस्ट फॉर रिविजन हमने हाइड्रेशन पड़ी थी हाइड्रेशन क्या होती है वो गैशियस आयन उसको पानी में डिजोल्व कर देना राइट right? अब ये भी क्या है इंटरमुलर फोर्स फॉर्म करना उस आयन और पानी के बीच में तो इसके भी फैक्टर्स वही हैं चार्ज अपॉन रेडियस ही बिकॉज ग्रेटर चार्ज ग्रेटर फोर्स ग्रेटर रेडियस बिगर डिस्टेंस वीकर इंटरमोलिक्युलर फोर्स ठीक है अच्छा दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी एंथल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है पूरा का पूरा सोल्यूट यानी सॉलिड पूरा का पूरा उठा के को में करना। है? तो हमने एक तरीका कल सीखा कि भाई डेल्टा एट सॉल्यूशन को आप कैसे सोच सकते हो आप डेल्टा एट सॉल्यूशन को ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपको एन को डिसॉल्व करना है एनएसएल सॉलिड से एन एक्वियस बनाना है

ले रही ठीक है ये सब था हमारा कल की क्लास का एजेंडा इससे हमें एक बात समझ में आई थी क्या बात समझ में आई थी एन को जब आप तोड़ रहे हो उसके आय में तो ये एंडोथर्मिक चेंज होगा और वेरी बिग एंडोथर्मिक चेंज होगा क्यों बिकॉज आप आयनिक बॉन्ड तोड़ रहे हो राइट लाइटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक हमेशा आपके पास एक्सोथर्मिक होगी ठीक है बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन है वो वी स्टडीड दैट Very first day. तो जब आप उसको रिवर्स करोगे तो उसका मतलब क्या है वो हो वो तो it एक्सोथर्मिक चेंज तो ही है ठीक तो हमने फिर कल अब इसको लिंक करना शुरू किया कि अब हम कैसे इसके ट्रेंड्स बता सकते हैं कैसे इन चीजों को समझा सकते हैं बता सकते हैं बेटर कर सकते तो पहले तो एक चीज हमने देखी कि जो चेंज एक्सोथर्मिक है यानी वो खुद ब खुद एनर्जी रिलीज करता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है आपकी नेचर में वो ज्यादा होता है ठीक है लेकिन जो चेंज जिसको होने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है यानी वो एंडोथर्मिक है तो उसको होने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज नॉर्मली आपके पास एनर्जी इस तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं होती कि उसको देके वो हो सके ठीक है तो एक्जोथर्मिक इज मोर फेवरेबल एंडोथर्मिक इज लेस फेवरेबल ठीक है

ठीक है तो यहां तक हमने कल बात कर ली थी उसके बाद वी वर डिस्कसिंग दिस के डेल्टा एच सोल्यूशन एंडोथर्मिक कब होगा और डेल्टा एच सोल्यूशन एक्सोथर्मिक कब होगा ठीक है जी सो यहीं से आज हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दैट तो डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू द रिवर्स ऑफ योर लैटिस एनर्जी एंड दी आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है

और डेल्टा एच हाइड्रेशन वैसे ही नेगेटिव होती है तो उसको अगर उसी डायरेक्शन में रखोगे तो ये चेंज क्या आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा राइट तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रहा है यानी डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें डायरेक्ट कॉमेंट करना पड़ेगा कि डेल्टा एच लैटिस एनर्जी बड़ी है डेल्टा एच हाइड्रेशन से पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा है उसमें से नेगेटिव वाला पार्ट छोटा है नेगेटिव वाला पार्ट जब सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तब भी आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है और वो अनफेवरेबल कर रहा है चीज को और इसी के बरक्स इफ यू वांट टू लुक एट एट द अदर वे सो इफ योर डेल्टा एट सॉल्यूशन यूर सेइंग इज के बिकमिंग नेगेटिव तो उसका मतलब क्या होगा कि जो नेगेटिव पोर्शन है उसका वो बड़ा हो गया है तो दैट मींस दैट दी हाइड्रेशन एंथैल्पी इज गेटिंग स्पीकर ठीक है

चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर कैटायोनिक रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लैटिस एनर्जी भी गिर रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों गिर रही है एग्जामिनर को आपने ये बात लाजमी बतानी है कि दोनों गिर रही है ठीक है बोथ ऑफ देम आर फॉलिंग बट वॉट इज फॉलिंग मच मोर द थिंग दैट इज फॉलिंग मच मोर इन मैग्नीट्यूड इज द लैटिस एनर्जी तो जी जो पॉजिटिव वाला पार्ट है राइट अगर वो बड़ा होता तो फिर क्या होता endothermic. Endothermic group, है आंसर एंडोथर्म हमें चाहिए आंसर क्योंकि डाउन द ग्रोप सिल्यूबिटी इंक्रीज करिए

के दोनों डिक्रीज कर रही है एग्जामिनर ने इसका मार्क रखा हुआ है स्पेसिफिकली तो अगर आप सिर्फ ये कह देंगे हाइड्रेशन पी सॉरी डिक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस तो एग्जामिनर्स पर मार्क्स काटेगा ठीक है लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज मच मोर इन मैग्निट्यूड than the hydration enthalpy this makes delta h solution more negative slash exothermic आंसर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें <coughs> अच्छा मैं ग्रुप टू सल्फेट का भी मॉडल आंसर लिखवा रहा हूं पहले एंड देन आई टेल यू वट द रीजन बाय लाइटेस्ट एनर्जी किसी गेस में ज्यादा डिक्रीज कर रही है हाइड्रोशन एलव कम डिक्रीज कर रही है एंड वॉट

बिकॉज हाइड्रेशन एंथल नेगेटिव है हमें पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा बड़ा करना है हमें नीचे जाते हुए शो करना है एंडोथर्मे है तो हम ये कहेंगे लाइटस्ट एनर्जी बढ़ी है so कैसी होगी? जब enthalpy, करेगी से. तो द हाइड्रेशन एंथल डिक्रीजेज मच मोर इन मैग्निट्यूड the lightest energy i'm just going to copy this one person mm -hmm. this is going to make delta h solution more endothermic more positive okay it's going to make it more endothermic more positive and therefore unfavorable. dissolving so, more positive slash endothermic, which does not favor dissolving, does not.

ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट अच्छा अब सर हमें ये बताएं कि लैटिस एनर्जी हाइड्रोक्साइड्स वाली केस में ज्यादा क्यों डिक्रीज करती है और सल्फेट्स वाली केस में ज्यादा कम क्यों डिक्रीज करती है ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड दिस अच्छा इसमें जो फर्क आता है सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स का आंसर सेम होगा राइट अल्मा कार्बोनेट्स का ट्रेंड नहीं है आपके सिलेबस में ठीक है अगर होता तो उसका आंसर सेम होता तो वो डालते वो सेम नहीं है ठीक है तो नॉट इन कोर्स उसकी टेंशन हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स यही है दोनों इनमें से कोई भी हो सकता है एग्जाम में आता है। अच्छा। अब, अम, हाँ। अगर देखोगे तो हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स में क्या फर्क है एक फर्क है ये माइनस वन होता है चार्ज ये क्या होता है ये होता है

इसमें देखोगे इसमें दो प्लस टू प्लस टू माइनस का जो है वो चार्ज है दोनों का तो इसमें जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा दैट शुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस आयोनिक बॉन्ड ठीक है इसका आयोनिक बॉन्ड एज स्ट्रोंग नहीं होगा और अगर मैं बात करता हूं इंटरमोलेक्क्युलर फोर्सेस विद पानी तो सिमिलरली ओवर हियर इसकी जो इंटरमोलेक्क्युलर फोर्सेस होंगी विद पानी वो कम होंगी

ठीक है तो अब जब दोनों में डिक्रीज आ रहा है इधर ये चीज ऑलरेडी छोटी है ठीक है इधर ये चीज ऑलरेडी छोटी है इधर यह चीज ज्यादा बड़ी है राइट सो so, इधर जब डिक्रीज आएगा सो देर इज अ चांस दैट अचानस इज मच मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी राइट इस केस में डेल्टा एच लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा कंपेरेबल होते हैं जब माइनस का चार्ज होता है सिर्फ माइनस वन का चार्ज बिकॉज बिकॉज uh, क्या बिकॉज द बॉन्डिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग तो इस केस में, when you have just a minus one का बट इन इसमें लैटिस एनर्जी और उसमें काफी, उस काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एंड फॉर दैट रीजन फॉर दैट रीजन जब दोनों डिक्रीज भी कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत कम चांस होता है कि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन डिक्रीज कर दे

लाइटेस्ट एनर्जी डिक्रीज कर रही है ठीक है आगे चले ये बातें हजम हुई क्वाइट ओके really... okay. अब आ जाओ दूसरी चीज जो ए एस में आपको बोला था कि हम आपको नहीं बता रहे ए टू में इसका है

टू प्लस एंड सी ओ थ्री टू माइनस ठीक है हमने एक कॉन्सेप्ट दैट वाज समथिंग लाइक पोलराइजिंग पावर ऑफ कैट आयन पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन ये याद है किसी को डिड वी स्टडी समथिंग लाइक दिस इन एस पढ़ा था सबने पढ़ा था Yes. तो पोलराइजिंग पावर क्या थी पोलराइजिंग पावर ये थी कितना ये कैट आयन खींच के इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है राइट यस सो बेसिकली पोलराइजिंग पावर क्या है पोलराइजिंग पावर ये है कि कितना ये कैट आयन इसको खींच के डिस्टॉर्ट कर सकता है और पोलराइजेबिलिटी क्या है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन होती है ठीक है पोलराइजेबिलिटी इसकी हम बोलेंगे जब हम पोलराइज की बात करेंगे इसकी बात करेंगे और जब हम पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये पोलराइज करेगा और ये पोलराइजेबल है ठीक है अच्छा ये क्या करेगा इसको खींच के इसको डिस्टॉर्ट करेगा ठीक है तो ये डिस्टॉर्ट कैसे होगा कुछ हो जाएगा इसके इस तरह से mg2+ खींच के इसका शेप डिस्टॉर्ट कर देगा ठीक है अपनी तरफ इसको खींचेगा इसका शेप खराब करेगा ठीक है तो क्या होता है होता ये है कि इफ यू गिव इट अ सर्टेन इनफ टेंपरेचर तो दिस बिकम्स वेरी इजी टू डू mg जो है वो ऑक्सीजन को कार्बन कार्बोनेट में से खींच लेता है अपने साथ चिपका लेता है एक और एक अलग आयनिक बॉन्ड बना लेता है और दूसरा क्या करता है सीओ टू को लिबरेट कर देता है विच इज नोन एज दी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स सो थर्मल स्टेबिलिटी जो थर्मल स्टेबिलिटी का डिस्कस नहीं किया वो ट्रेंड क्या है हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि क्यों कर, करते हैं डीकम्पोज इसलिए करते हैं बिकॉज कैट आयन की पोलराइजिंग पावर है वो खेच के उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें से ऑक्सीजन निकल के इधर जुड़ जाए राइट और ये सीओ टू अलग हो जाए

ठीक है तो इसलिए ये चेंज टेक प्लेस कर सकता है दिस इज देयर फॉर फेवरेबल इसलिए हो सकता है ठीक है सबको हुआ और और क्या थी और ये समझ में आया कि इससे कैसे कैसे एक चीज carbonate, decompose कर रहा है अगर इसका चार्ज ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा ज्यादा जोर से खींचेगा ठीक है इसका, इसका अगर इसका ज्यादा ज्यादा बड़ा होगा, तो ये जोर से खिंच सकता है और दूसरी बात अब हम उसको डिस्कस करेंगे, दूसरी बात क्या है? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी में भी वही फैक्टर चार्ज अपॉन रेडियस वही वैसे ही लिंक्ड है ठीक है सो लेट्स जो है एक्सप्लेनेशन करने में हमें वही काम आएगा डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है क्या, डाउन द ग्रोप कैट आयोनिक रेडियस इंक्रीजेपनिंग एम जी तो बहुत छोटा होता है ठीक है जी वो पोलराइज कर सकता है बट इफ यू से समथिंग लाइक बेरियम बेरियम इज क्वाइट अ लॉट बिगर ठीक है सो क्योंकि बेरियम का uh, आयोनिक रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो उतना पोलराइज नहीं कर पाएगा CO3 2- को ठीक है ठीक तो CO3 2- विल गेट डिस्टॉर्टेड वेरी वेरी लेस तो इसमें डिस्टॉर्शन इज मोर और इसमें जो आपकी डिस्टॉर्शन है दैट इज लेस

less strongly therefore compound becomes more stable and yes alma you are correct polarizing <clears throat> अच्छा पोलराइजेबिलिटी के लिए नहीं है वो चीज जो आप बोल रहे हो पोलराइजिंग पावर के लिए है पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ठीक है ये एग्जैक्ट पता नहीं पावर इसकी हो या ना हो जस्ट जैसे हमने क्वालिटेटिवली बात करी है हाइड्रेशन में भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता आप इससे फिजिक्स वाली चीज लगा देना ठीक है तो ये होगा बाकी पोलराइजेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है एंड वो है चार्ज दोनों में क्यों बिकॉज अगर एन आयन का रेडियस बड़ा होगा तो उसको खींचा जा सकता है ना जरा वो ज्यादा करीब आ जाएगा अगर छोटा सा होगा तो वो तो दूर रह रहा है बड़ा होगा तो वो उसको खींचा जा सकता है ज्यादा आसानी से सो फॉर केस ऑफ पोलराइजेबिलिटी दी रेडियस